दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कि भगवान की भक्ति से पिछले जन्म और आगे का जन्म सुधर जाता है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल वासुदेव दर्शन। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वह तुमको मिलेगा। लेकिन भगवान की अटूट भक्ति करने से पिछले जन्म के कष्ट कम हो जाते हैं। आज हम आपको इसी विषय पर कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा कृष्ण भक्त था। उसका नियम था, सुबह रोज भगवान के मंदिर जाता था। लेकिन सेठ का व्यापार में घाटा हो गया, फिर भी वह मंदिर रोज जाता था। सेठ के घर के सामने एक नीच व्यक्ति रहता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और मदिरे का सेवन करता था और अच्छी जिंदगी जीता था और उसका व्यापार भी अच्छा चलता था। सेठ जी और उसका परिवार बड़ा दुखी था। उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन सेठ जी को भगवान पर गुस्सा आया। वह मंदिर की ओर चला, मंदिर पहुंच गया। मंदिर में श्री कृष्ण के सामने जाकर कहा, मैंने जीवन में आपकी भक्ति की, फिर भी मेरा यह हाल है। आज के बाद मैं मंदिर भी नहीं आऊंगा और अपने घर को छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा। फिर सेठ मंदिर से निकले तो उसका पैर फिसल गया। सेठ जी नीचे गिरे और दो दांत टूट गए। सेठ जी ने कहा, दांत तोड़ दो, फिर भी मैं मंदिर नहीं आऊंगा। सेठ जी जंगल में जा रहे थे कि सामने एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज बैठा था। साधु महाराज ने पूछा, सेठ जी इतने गुस्से में कहां जा रहे हो? सेठ जी ने अपनी सारी बात साधु महाराज को सुनाई। साधु महाराज ने कहा, सेठ जी मैं देख रहा हूं कि आपने पिछले जन्म में बहुत अत्याचार किया था। इस जन्म में आपको अनाज का दाना भी नसीब नहीं होना था, फिर भी आपको दोनों समय भोजन मिला और आज आपकी मौत लिखी हुई थी, लेकिन आपके दो दांत ही टूटे। इससे ज्यादा भगवान आपको क्या देते? यह भी आज की भक्ति से मिला है। फिर सेठ जी को अपनी गलती पर एहसास हुआ और साधु महाराज को कहा, आपने भगवान के रूप में मुझे दर्शन दिया है। फिर सेठ जी घर चले गए। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि भगवान की भक्ति से इस जन्म नहीं, अगले जन्म की नहीं, पिछले जन्म में भी जो किया सब माफ हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करें, किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक मिलती रहे।